ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस और के बीच में लगातार यहाँ पर झड़प हो गई है और ऐसे में ये सभी छात्र एक साथ अब इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो गई है तो प्रयागराज में कोहराम बरपा है। कहीं पुलिस प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को घसीट घसीट कर प्रदर्शन की जगह से हटा रही है तो कहीं बैरिकेडिंग तोड़कर ये अभ्यर्थी पुलिस और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। देर रात से ये बवाल बढ़ गया था। देर रात को डीएम पहुंचे थे, पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, उसके बाद तो मानो कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई और कहा जाने लगा कि परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की जा रही है। और इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे वाकई में अखिलेश यादव वजह है? ये सवाल तब उठा जब एक अभ्यर्थी ने बड़ा दावा कर दिया। पहले उस अभ्यर्थी का वो दावा सुनिए। देखिए, किलाबंदी का मकसद ये है कि और छात्र इकट्ठा हो या कल कुछ पॉलिटिकल रैलीज की मतलब अखिलेश यादव जी आने वाले हैं तो उसको देखते हुए शायद ये सोच रहे हैं कि और भीड़ हो या वो अगर रुक जाए तो काफी भीड़ उधर ना मूव कर जाए तो शायद उसको लेकर के हम लोग क्लियर नहीं है फिलहाल उसका उनका मकसद ये हो सकता है। लेकिन वो बैरिकेडिंग हर रोज थोड़ा बहुत करते हैं कि कहीं छात्र उग्र ना हो जाए या कोई बहुत दिक्कत ना हो जाए तो इसके लिए थोड़ा प्रोटेक्शन करते हैं, उनका मकसद ये हो सकता है। दरअसल प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव है, अखिलेश यादव का चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ऐसे में चर्चाएं जोरों पर हैं कि अखिलेश यादव हो सकता है इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करें, जिसके बाद यहां पर मानो पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और ज्यादा मुस्तैद हो गया है। कहा तो ये भी जाने लगा, दावा ये भी किया जाने लगा कि इसी वजह से इन अभ्यर्थियों को जबरन बलपूर्वक प्रदर्शन के जगह से हटाया जाने लगा, जिसमें कईयों को काफी चोटें आई हैं, कई रोते बिलखते नजर आए, कई आक्रोशित होकर चीखते चिल्लाते नजर आए। आयोग जब जब डरता है पुलिस वाले करता है, आयोग जब जब डरता है पुलिस वाले करता है। वही अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। बैक टू बैक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। जरा देखिए अखिलेश यादव के इन पोस्टों को। वही कानपुर जब अखिलेश कल पहुंचे थे तो कल ही मानो उन्होंने एक यलगार कर ही दिया था, इस मुद्दे को उठाते हुए जमकर योगी सरकार को घेरा था। सुनिए। नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में, वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है। तो क्या वाकई में अखिलेश जब आज प्रयागराज में होंगे तो इन अभ्यर्थियों को बड़ा संदेश देंगे, इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे या फिर कोई बड़ा संदेश देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और ये भी बताइए कि ये जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब उनके साथ आएंगे तो प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये प्रदर्शन योगी सरकार के चौतरफा मुश्किलें लेकर आ गया है? इस पर भी अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।